वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सर्विस सिम है तो उसमें अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आप अपने इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने नेटवर्क स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो ताकि आपका जो नेटवर्क अच्छा से चले और आप इंटरनेट का मज़ा अच्छा से ले सको। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा जो अभी एक खूंटी टावर यहाँ पर है और मैंने जैसे यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन मैं इसको पूरा फास्ट करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक चले आना है। फिर जैसे बैक आओगे आपका अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है टर्बो वीपीएन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सर्च करके रखा है, तो क्या करना है आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप टर्बो वीपीएन को इंस्टॉल करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टर्बो वीपीएन को ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है। एंड जैसे वेट करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर जो गाजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक खरगोश से वो दौड़ेगा, तो आपको थोड़ा देर जब तक वो खरगोश रुक ना जाए तब तक आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। एंड तब तक मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि आपको क्या और क्या क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करने वाला आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा खरगोश जो अभी तक लेट चुका है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एगो एड्स आएगा तो उस एड्स को आपको कट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर से बैक चले आना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा वीपीएन जो कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड जैसे ओपन करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो कितना स्पीड अभी डाटा मेरा चल रहा है, नेट चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही कम जो हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर आप चल रहा है अभी भी मेरा खुले टावर, यहाँ पर हमारा नेट चल रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और साथ में बेल नोटिफिकेशन में प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की गलती इसमें बता देता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा नेट खाता है, इसलिए आप अपनी जरूरत में इसको इस्तेमाल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।